This month we are looking at the parables of Prabhu Shri Yishu. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के दृष्टांतों पर विचार कर रहे हैं. And I remember a small comparison that Brother Cody had made some time ago in the satsang. और कुछ समय पहले भाई कोडी ने एक दृष्टांत पर विचार बोला था. And he was trying to explain something about the coconut. और वह नारियल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था. He was saying that the coconut from outside doesn't look very pleasing. और वह कह रहा था कि बाहर से नारियल बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखता. It doesn't look very attractive. और वह चाहने योग्य नहीं दिखता. When we touch it, it doesn't feel like we can put it in the mouth and start eating it. और उसे जब छूते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि उसे हम खा सकते हैं. But if we work with it a little bit, किंतु उस पर अगर हम थोड़ा काम करें, and we break it open, और अगर हम उसे तोड़ कर खोल लें, and then inside we can find something which is very tasty. और उसके अंदर हम कुछ चीज पा सकते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है. Sometimes the parables can be like that. और दृष्टांत भी इसी तरह से होते हैं. On the outside it might look very difficult. और बाहर से बड़े कठिन दिखाई दे सकते हैं. To some it might look impractical. और कुछ लोगों को अप्रायोगिक दिखाई दे सकते हैं. But when we work with it, we find out that there is life lessons that God wants to tell. और अगर हम उसके अंदर देखें तो हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ शिक्षाएं हैं जीवन की जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है. Once Lord Shri Jesus, once the disciples asked Lord Shri Jesus, why do you speak in parables? और एक बार प्रभु श्री यीशु के शिष्यों ने पूछा कि आप दृष्टांतों में क्यों बोलते हैं. And Lord Shri Jesus said that so that those who need to understand will understand, and those who do not need to understand, let them not. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि ताकि जो लोग समझ सकते हैं वे समझ लें और जो समझ नहीं सकते वे न समझें. God is looking for people who have a desire to know him. और परमेश्वर ये चाहता है ऐसे लोगों को जिनके पास चाहत है कि वे परमेश्वर को जान लें. And if we create a desire to know him, God is always willing to reveal himself. और अगर हम परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करने के लिए तैयार है. If we have no desire to know God, then the blessings, the revelation will be locked to us. Actually, we will be locked out of it. और अगर हमें परमेश्वर को जानने की चाह नहीं है तो हम उस परमेश्वर के प्रगटीकरण को नहीं समझ सकते और हम उसके बाहर रहेंगे. Lord Shri Jesus told a parable. प्रभु श्री यीशु ने एक दृष्टांत को बताया. He said that there was a big businessman. और प्रभु श्री यीशु ने कहा कि एक बहुत बड़ा व्यवसायी था. And he had got lot of investments. और उसके पास बहुत संपत्ति थी. And he had a manager over him. और उसके ऊपर एक स्वामी था. And that manager was used to take care of all his business. और उसको देखभाल करने वाला सारे व्यवसाय की देखभाल करता था. And if in town anybody needed something, they used to come and take some loan from this businessman. He used to act like a bank. और कोई भी अगर गांव में किसी को जरूरत है तो इस देखभाल करने वाले के पास आते थे और उससे कर्जा लेते थे और वह इस तरह से काम करता था जैसे बैंक हो. एंड स्लोली स्लोली द बिग बिजनेसमैन ही हर्ड दैट हिज मैनेजर इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब. और उस व्यवसायी ने धीरे धीरे सुना कि उसका जो देखभाल करने वाला है वह अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा है. एंड स्लोली स्लोली द कंप्लेंट्स और धीरे धीरे उसके बारे में नुक्ताचीनी आने लगी. द कंप्लेंट्स बिकमिंग मोर एंड मोर और बहुत ज्यादा उसके बारे में नुक्ताचीनी आने लगी. सो द बिजनेसमैन लुक्ड एट द मैनेजर एंड कॉल्ड हिम वंस. और फिर व्यवसायी ने उस देखभाल करने वाले को बुलाया और उससे पूछा व्हाट इज दैट दैट आई एम हियरिंग अबाउट इट.
कि तुम्हारे बारे में मैं ये क्या सुन रहा हूँ? I'm hearing that there is a lot of mismanagement. और मैं सुन रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है. He did not say anything. उसने कुछ नहीं कहा. Probably there were some things that were going wrong. और शायद ऐसा लगता है कि कुछ चीजें थी जो गलत चल रही थी. And the businessman said to the manager, give me an account of all everything that you are doing. और व्यवसाय ने देखभाल करने वाले से कहा कि अपना सारा बही खाता बताओ कि तुम क्या कर रहे हो. So he gave all the accounts that were there. और उसने अपना सारा बही खाता दिया. And he said that after a few days, you know, you start winding up the things and you go away from it. और फिर व्यवसायी ने कहा कि आप थोड़े दिन में अपना सारा काम समेट के जा सकते हो. Now the manager thought, what should I do? और देखभाल करने वाले ने कहा कि अब मैं क्या करूँ? I have become old now. अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. This is what I did all my life. और मैंने पूरी जिंदगी भर यह किया है. There is no other profession that I know how to do. और कुछ और काम मैं नहीं जानता कैसे करूँगा. I do not have any bank balance with me. और मेरे पास कोई धन संपत्ति भी नहीं है. And how will I survive? और मैं कैसे अपना पालन पोषण करूँगा? I cannot go and beg. मैं जाकर भीख नहीं मांग सकता. और लोग कहेंगे कि कल तो ये देखभाल करने वाला था और आज भीख मांग रहा है. Then he thought that this is what I am going to do for the future. और उसने सोचा कि मैं ये करूंगा अपने भविष्य के लिए. He called the debtors of his owner. और उसने अपने मालिक के जो कर्जदार थे उन्हें बुलाया. And he asked them, what do you owe my master? और उससे पूछा कि तुमको कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है? One person said that I owe 900 gallons of oil. और एक ने कहा कि मुझे 900 गैलन तेल मुझ पर कर्ज है. और उसने कहा ठीक है उसे 450 कर दो. और उसने कहा क्या तुम्हें पक्का पता है कि हमें हाँ मैं यहाँ पर देखभाल करने वाला हूँ मैं कह रहा हूँ 450 कर दो इसे. He called another one. और उसने दूसरे को बुलाया. और तुम्हारे पास कितना कर्जा है? He said that 1000 bushels of wheat. और 1000 बुशल है गेहूं के. Make it instead of 1000 bags, make it 800 bags. और 1000 की जगह 800 ठेले कर दो. So like that he went to all the debtors and reduced their debt. और इस तरह वो सारे कर्जदारों के पास जाकर उनके कर्ज को कम करता है. So that when he is out of his job, he has gained friends. So that now these friends will now take care of him. ताकि वह जब नौकरी से छूट जाए तो उस समय उसके पास मित्र रहे और वो मित्र उसकी देखभाल कर सकें. Later on the business owner came to know about this. और उसके बाद जो मालिक था उसे ये पता चला. The business owner commended that person for being shrewd, cunning. और उसने उसकी प्रशंसा की कि यह व्यक्ति जो था वह बहुत ही ज्यादा चालाक था. What is Lord Sri Jesus trying to say? प्रभु श्री यीशु इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? First, what is Lord Sri Jesus not saying? और पहली चीज कि प्रभु श्री यीशु क्या नहीं कहना चाह रहे हैं? Lord Sri Jesus is not trying to endorse dishonesty. और प्रभु श्री यीशु जो धोखाधड़ी है उसे करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे हैं. Lord Sri Jesus at the end of his story, he says, you cannot serve both God and money. और प्रभु श्री यीशु आखिरी में कह रहे हैं कि आप परमेश्वर और पैसा धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते. So it is not that Lord Sri Jesus is encouraging people to be dishonest. और प्रभु श्री यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि धोखाधड़ी करना सही है. When we look at a parable, और जब दृष्टांत को हम देखते हैं, parable is a story. और दृष्टांत एक कहानी है. And story has its various parts. और इस कहानी में विभिन्न अंश भाग हैं. Some parts we take it. और कुछ भाग को हम लेते हैं. And other parts just form the outer shell of the story. और जो दूसरे भाग हैं वो केवल कहानी के बाहरी हिस्से को बनाते हैं. Like a coconut,
we do not eat the shell, we take the shell and throw it away and we burn it away. और जैसे कि नारियल के बाहर के खोल को हम फेंक देते हैं या उसे जला देते हैं and we take the inner part and use it for us. और जो अंदर का भाग उसे हम लेते हैं उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. So this idea about dishonesty is the one that has to be rejected. और जो धोखाधड़ी वाली चीज है उसे हमें तिरस्कार करना है. So what does Lord Sri Jesus wants to say out of this story? तो इस कहानी में प्रभु श्री यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? Lord Sri Jesus is telling that we have to be wise. और प्रभु श्री यीशु कह रहे हैं कि हमें बुद्धिमान होने की आवश्यकता है. Being spiritual doesn't mean that we should be foolish. और आत्मिक होने का मतलब यह नहीं कि हम बेवकूफ रहें. The more foolish we are, the more spiritual we will look. और ज्यादा हम बेवकूफ दिखाई देते हैं तो ज्यादा हम आत्मिक दिखाई देते हैं कई बार. That is not true. वैसा ही नहीं है. We have to be wise while we are doing spiritual pursuit. और जब हम आत्मिक जीवन के पीछे चल रहे हैं तो हमें बुद्धिमान होने की आवश्यकता है. In the story, it seems like there were a lot of debtors. और इसमें ऐसा लगता है कि बहुत से कर्जदार थे. And these debtors were people who were bad debts. और ये जो कर्जदार थे इनके पास जो कर्ज था वो खराब कर्ज था. Bad debt is that debt that the owner knows that it is never going to come back to him. और ये खराब जो कर्ज है वो यह है कि मालिक जानता है कि ये कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगा. Like there's a mortgage. और जैसे कि घर का मॉर्गेज है. And then the people say that I'm not able to pay the mortgage. और लोग कहते हैं कि मैं इसे चुका नहीं पा रहा हूँ. For the bank, it is a bad debt. और बैंक के लिए ये खराब कर्ज है. Bank knows that there is no way I'm going to get this money back. और बैंक को पता है कि किसी भी तरह से ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा. The bank takes the house and even if it is at loss, sells it off and gets whatever money that they have. तो इसलिए बैंक उस घर को लेकर उसे बेच देता है जितना भी पैसा उसे मिल जाए. In the same way, these were, it seems, bad debtors. और इसी तरह से लगता है कि ये जो कर्जदार थे ये खराब कर्जदार थे. Although this manager reduced the debt of the people, because of the reduction of the debt, people probably began to give money to this businessman. और इसलिए कि देखभाल करने वाले ने उनके कर्जों को कम कर दिया तो इसलिए लगता है कि उसके द्वारा लोग इसे पैसा देने लगे. They might have thought that anyway it is less now, let me give it away while it is less before it becomes more again. और ऐसा लगता है कि लोगों ने सोचा कि अब तो ये कम हो गया है तो मैं इसे चुका दूं क्योंकि अब कम है इससे पहले कि ये फिर से बढ़ जाए. So his action probably brought an influx of money into his business. तो ऐसा हो सकता है कि उसने जो काम किया उसके द्वारा जो मालिक का व्यवसाय था उसमें पैसा बहुत ज्यादा आया हो. Lord Sri Jesus says that use unrighteous mammon or use money to gain friends for yourself. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि जो अधार्मिक पैसा है धन है उससे अपने लिए दोस्तों को मोल ले लो. What does Lord Sri Jesus mean by that? और प्रभु श्री यीशु उससे क्या कह रहे हैं? What is unrighteous wealth? और जो अधार्मिक धन दौलत है वो क्या है? Unrighteous wealth is wealth that does not belong to us. और अधार्मिक धन दौलत वो है जो हमें हमारी खुद की नहीं है. Is there anything that we own? क्या हम किसी चीज को के मालिक हैं? If we look closely, we do not own anything. अगर हम ध्यान से देखें तो हम कुछ भी हमारा अपना नहीं है. What we think we own belongs primarily to God. और जो हम सोचते हैं कि हमारा है वह परमेश्वर का है. To think that resources that primarily belong to God, it belongs to us, is in itself unrighteousness. और जो कुछ भी परमेश्वर का है उसके बारे में यह सोचना कि वह हमारा अपना स्वयं का है वह स्वयं अधार्मिकता है. So use money to gain friends.
तो इसलिए उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने लिए मित्र बनाओ. The resources that God gives us is not ours, it belongs to Him, and we have to put it back into the community that God has put us in. और परमेश्वर ने जो कुछ भी धन संपत्ति दिए, जो कुछ भी हमें दिया है, उसे हमें लगाना है समाज में, ताकि उसके द्वारा समाज की उन्नति हो. And Lord Sri Jesus says that use money to gain friends so that when it is gone, you might gain eternal dwellings. और उस पैसे को लगाकर अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब तुम चले जाते हो तो तुम अपने लिए अनंत काल के लिए वास स्थान बना लो. In the scriptures it is written that when we give to the poor, we lend to God. और धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब हम गरीबों को देते हैं तो हम परमेश्वर को कर्ज दे रहे हैं. And God starts in one sense owing us something. और एक तरह से परमेश्वर कर्जदार बन जाता है. And when we serve the poor and the needy and people in the community, God becomes our friend. और जब हम गरीबों की सहायता करते हैं और समाज में लोगों के सहायता करते हैं तो परमेश्वर हमारा मित्र बन जाता है. And Lord Sri Jesus says, and when the money ends. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि जब पैसा खत्म हो जाता है. He doesn't say if the money ends. और प्रभु श्री यीशु यह नहीं कहते कि यदि पैसा खत्म हो जाए. The question is not that maybe it will end. और प्रश्न यह नहीं है कि हो सकता है यह खत्म हो जाए. Lord Sri Jesus is saying that this worldly wealth is going to end. और प्रभु श्री यीशु कह रहे हैं कि ये जो सांसारिक धन संपत्ति है यह एक दिन खत्म हो जाएगी. But what will remain is the friendship. और जो बची रहेगी वह मित्रता है. Wealth you will lose, but the friends that you have made will remain forever. और जो धन दौलत है उसे आप खो देंगे, मगर जो मित्र आपने बनाए हैं वो हमेशा रहेंगे. God has given us certain resources, those resources are going to go away. परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें धन संपत्ति दी है, जो कुछ भी दिया है, वह एक दिन चला जाएगा. But if we have made friendship with God, then that friendship is going to last forever and ever. अगर हमने परमेश्वर के साथ मित्रता कर ली है तो मित्रता हमेशा हमेशा के लिए रहेगी. Use worldly money to gain friends so that when it is gone, you get entry into eternal dwellings. और जो सांसारिक धन दौलत है उससे तुम मित्र बना लो ताकि जब तुम चले जाओगे तो तुम अनंत काल के लिए वास स्थान बना सको. Lord Sri Jesus says that whoever that can be trusted with little, more will be given to them. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं जो कुछ भी छोटे में विश्वास योग्य है उसे और दिया जाएगा. If you are not trustworthy in the little, then how can more wealth be given to you? अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हैं तो और पैसा आपको क्यों दिया जाएगा? God has given us all these resources. परमेश्वर ने ये सारे धन संपत्ति हमें दी है. It is the little. और ये केवल थोड़ा सा है. And if we are not trustworthy with that, how can we gain eternal dwellings first? अगर हम इसमें विश्वास योग्य नहीं हैं, तो हम अनंत काल के जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? This is just riches that are temporary and small. और ये केवल जो पैसा धन दौलत है, ये केवल थोड़े समय के लिए है और छोटा है. But the eternal dwelling that we can get with God is truly ours and will be forever and ever. और परमेश्वर के साथ जो अनंत काल का निवास हम पा सकते हैं वह हमारा स्वयं का है और वह हमेशा हमेशा के लिए है. Lord Jesus says that if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you a property of your own? और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि जब तुम दूसरों की धन संपत्ति के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी खुद की संपत्ति कौन देगा? The resources that we think is ours is actually God's. और जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हमारा है वह परमेश्वर का है. And we have to be trustworthy with that. और हमें उसके प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए. And God is saying that is temporary. और परमेश्वर कह रहा है कि यह
केवल अस्थाई है. And if we are trustworthy with that, we will get property of our own. और अगर हम इसके प्रति विश्वास योग्य रहे तो हमारे को अपने खुद की जमीन जायदाद मिलेगी. And what is that property? और वह जमीन क्या है? That property is eternal dwellings with God forever and ever. और वह जमीन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा का वास स्थान है. And Lord Sri Jesus is trying to tell us that look towards the future. और प्रभु श्री यीशु ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य की ओर देखो. Don't just get entangled with the present. केवल अपने अभी के जीवन में उलझे मत रह जाओ. The business owner commended the shrewd manager because he was looking towards the future. और व्यवसायी ने उस देखभाल करने वाले की प्रशंसा की क्योंकि वह भविष्य की ओर देख रहा था. God wants us to look towards the future, towards our eternal future. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अनंत काल के भविष्य की ओर देखें. Lord Sri Jesus says, no one can serve two masters. और प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. या तो तुम एक को जैसे घृणा करोगे और दूसरे से प्रेम करोगे, या एक को तुच्छ जानोगे और दूसरे को चाहोगे. You cannot serve both God and money. और तुम परमेश्वर पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते. You have to serve God. हमें परमेश्वर की सेवा करनी है. The resources belong to God. और जो कुछ भी संपत्ति है वो परमेश्वर की है. And if we are serving God, we will use His resources for the community. और परमेश्वर का दिया हुआ जो कुछ भी है उसे हम लोगों के इस्तेमाल में लाएंगे अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. We will not become self-centered, but we will become community-centered. हम केवल अपने ऊपर केंद्रित नहीं रहेंगे बल्कि हम समाज के प्रति केंद्रित होंगे. That is the reason the bhaktas of Lord Sri Jesus, you will see that they are always trying to do some community service. और इसीलिए प्रभु श्री यीशु के भक्त आप देखते हैं कि वे समाज सेवा करते हैं. In India, the bhaktas of Lord Sri Jesus are in a minority. और भारत देश में प्रभु श्री यीशु के भक्त कम संख्या में हैं. But if you look at the community service, the majority of the community service in India is done by a minority of people. और अगर आप देखें समाज सेवा का तो हम देखते हैं कि जो बहुत सारे समाज सेवा जो की जाती है वह बहुत कम लोगों के द्वारा की जाती है. Why are they doing that? और वे इसे क्यों कर रहे हैं? Because they consider their resources as God's resources. क्योंकि वे इस बात को समझते हैं कि उन्हें उनके पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है. They are not doing community service for some selfish gain. वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं समाज सेवा. They are doing community service because they know that that is the heart of God, that God wants to take care of the poor and needy in the community. और वे समाज सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर के हृदय से आ रहा है. परमेश्वर चाहता है कि वे लोगों की सहायता करें. God wants us to become like a pipeline. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक नल की तरह बन जाएं. In a pipeline, the water continues to flow. और उसमें पानी लगातार बहता रहता है. But in a bucket, the water comes and remains and becomes stagnant. और किंतु बाल्टी में पानी आता है और वहीं पर रहता है स्थिर. In the pipeline, the water will always remain fresh. और नल में पानी हमेशा साफ रहता है. But if you put it in a bucket and just leave it there, after some time it will become stagnant and it will become dirty. और किंतु अगर हम बाल्टी में पानी छोड़ दें तो उसे ऐसे ही रहने दें तो थोड़े दिन बाद वह गंदा हो जाएगा और काम के लायक नहीं रहेगा. The bucket can hold only limited water. और जो बाल्टी है उसमें केवल थोड़ा ही पानी आ सकता है. A pipeline can hold unlimited water. और नल में कितना भी पानी आ सकता है. Because it is passing through. क्योंकि पानी उसमें से होकर बह रहा है. If we use the resources in a way that we become buckets in ourselves. अगर हम सारे जो कुछ भी हमें दिया गया है उसे इस तरह इस्तेमाल करें
जैसा कि हम बाल्टी हैं, we are not serving God, we are serving money and we are serving ourselves. हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप की सेवा कर रहे हैं. If we become like pipeline, we are serving God. अगर हम नल की तरह बन जाएं, तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. The resources will be always fresh. और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हमेशा साफ रहेगा. And the resources will continue to flow. और वह जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, वह लगातार उसमें से बह रहा है, बहता रहेगा. And when we are serving God, we look towards the future. और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हम भविष्य की ओर देखते हैं. And God says, I become your friend, and you have eternal dwelling reserved by me for you forever. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, तुम्हारे लिए अनंत काल तक वास स्थान रहेंगे. We will have a small time of meditation. हमारे पास ध्यान मनन का समय होगा. During that time of meditation, we can do an evaluation of our lives. और ध्यान मनन के समय में हम अपनी जिंदगी को जांच कर देख सकते हैं. We can see whom are we serving. और हम सोच सकते हैं कि हम किसकी किस सेवा कर रहे हैं. Are we serving ourselves? क्या हम अपने आप की सेवा कर रहे हैं? Have we made money our God? क्या हमने पैसे को अपना परमेश्वर बना लिया है? If we have made money symbolically or practically our God, we have dethroned God. और अगर हमने पैसे को प्रायोगिक रूप से या नमूने के रूप में अपना परमेश्वर बना लिया है, तो हमने परमेश्वर को उसकी गद्दी पे तो उतार दिया है. Then God cannot be our friend. तो परमेश्वर हमारा मित्र नहीं रह सकता. He cannot do anything for us. और वह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता. If we come under the shelter of God, अगर हम परमेश्वर की शरण में आ जाएं, we can tell Lord Shri Jesus Christ. तो हम प्रभु श्री यीशु से कह सकते हैं, Lord Shri Jesus, प्रभु श्री यीशु, all the resources that you have given to me belongs primarily to you. जो कुछ भी आपने मुझे सौंपा है, वह आपका स्वयं का है. I want to serve you and the community. और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और समाज की सेवा करना चाहता हूँ. I don't want to be self-centered. I want to be community-centered. मैं स्वार्थी नहीं होना चाहता. मैं समाज के प्रति अपने आप को केंद्रित करना चाहता हूँ. I want to look towards the future because you have created me for eternity. मैं भविष्य की ओर देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बनाया है. None of my resources can give me that eternity. और मेरे जितनी भी धन संपत्ति और मुझे अनंत जीवन नहीं दे सकती. Only you can give Lord Shri Jesus the eternal life. केवल आप मुझे अनंत जीवन दे सकते हैं. And I want to take from you. और मैं आपसे इसे लेना चाहता हूँ. I want to become your friend. मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ. मैं आपकी शरण में आ जाता हूँ. When we pray like this, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, we get eternal dwellings forever and ever. हम हमेशा काल के हमेशा के अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं. There is no other place, there is no other person that can give us this kind of eternal dwelling. और कोई और जगह नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है. So we can come at the shelter of Lord Jesus Christ. तो हम प्रभु श्री यीशु की शरण में आ सकते हैं.